टेस्टी है, बढ़िया। और चुके हैं फाइनली हम सरोजनी यार। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 हैं और मम्मी जा रहे हैं दिल्ली, मम्मी दीपक और विवेक भाई। एनीवेज वेलकम बैक टू द व्लॉग, कैसे हैं आप लोग? ये हमारी कैब है तो कैब हमें किले पे मिलेगी। आज पूरा दिन का एक दिन का व्लॉग रहेगा दिल्ली का, लोग एंजॉय करना। बाकी अभी कैब में मिलते हैं आप लोगों से। हेलो गाइस, अभी मिल चुके हैं सभी लोग। दीपक बिल्कुल रेडी शेडी हो गया है आज, और इधर विवेक भाई और मम्मी से तो मिल ही लिए हो गए। अभी हमारी कैब भी है पीछे इधर खड़ी है। बाकी आपसे अब डायरेक्ट दिल्ली में मिलते हैं, बाकी सिनेमैटिक एंजॉय करते रहना। एंड गाइस फाइनली रीच दिल्ली, हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। आठ प्लेस पे अभी मैं हूँ, विवेक भाई मेरे साथ है, हम लोग वॉशरूम होके आए थे, बहुत जोर की लग रही थी। बाकी अभी पालिका हम लोग घूमने वाले हैं तो पालिका एक्सप्लोर करेंगे। आज हम लोग वहां भी जाने वाले हैं, कहाँ पे? सरोजनी मार्केट। अभी हम लोग सरोजनी मार्केट भी जाने वाले हैं। पालिका में शूट नहीं कर सकते हैं ज्यादा, पर शूट करके दिखा दूंगा मैं। एंड अभी हम लोग घूम रहे हैं पालिका मार्केट, पूरा एक्सप्लोर करवा रहा हूँ मैं मम्मी को। ये लोग फर्स्ट टाइम आए ना यहाँ पे इस चक्कर में। बाकी पालिका के बाद हम लोग नेक्स्ट जाने वाले हैं सरोजनी। सरोजनी जल्दी चलेंगे क्योंकि ज्यादा लेट होएंगे तो वहाँ का सारा, आप समझ रहे हो, माल उड़ जाएगा सब कुछ। जो शॉप्स वगैरह लगी रहती हैं यहाँ पे, अभी खुली नहीं है पूरी। हम लोग बहुत जल्दी आ गए, मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग तो अभी कुछ खुला नहीं है। एंड गाइस अभी हम लोग कैब में थे तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मोदी जी का घर, साइड से दिखाता हूँ, मैं दिखा नहीं सकते। ये था मोदी जी का घर, बाकी तो निकल गया था, बाकी एसएफ की सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीज थी। अभी हम लोग सरोजनी जा रहे हैं, सरोजनी में मिलता हूँ उसमें डायरेक्ट। पालिका हमने थोड़ा बहुत घूमा था, जो भी आपको दिखा दिया था, अभी सरोजनी मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सरोजनी मार्केट, तो सरोजनी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, पूरा देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। पहुंच चुके हैं फाइनली हम सरोजनी यार। भाई अंदर आते मैंने तो अपना जुगाड़ ले लिया, कोक बहुत पीता हूँ भाई इसे तो। ये देखो 100 रुपए में भाई, बिल्कुल मजा आ रहा है। इतनी तगड़ी मार्केट है यहाँ पे, पीछे देख रहे हो आप, पूरा देख रहे हो इधर देख रहे हो, मजा आ रहा है मस्त। और यहाँ पे कुछ भी ले लो भाई, इयरलिंग ले लो, स्लीपर्स ले लो, आप कपड़े ले लो, बेड ले लो, कुछ भी ले लो मतलब। और लोग भाई मतलब अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको एक छोटा सा, ये देखो 200 रुपए की तो तगड़ा स्वेटर है, ये वाला स्वेटर देखो, देख रहे हो, उसे मात्र 200 रुपए में भाई। आ जाना आप लोग भी बिल्कुल, ये देखो। अब अगर हम लोग कपड़े पहने हुए दिखेंगे ना आप लोग, सरोजनी के ही दिखेंगे, समझ जाना भाई साहब, कोई बीआई वीआई भी नहीं है, सिर्फ 200 रुपए में कितना बढ़िया लग रहा है। जहाँ तक निगाह जा रही है वहां तक बस सरोजनी मार्केट है पूरी। ये देखो विवेक भाई को, विवेक भाई ने ठग गए यार, विवेक भाई ने 200 रुपए का स्वेटर ले लिया, 200 रुपए का, रेट नहीं बता रहा मैं, पर ले लिया वो, अभी कम करता पर वो। गाइस पूरे मार्केट है इधर, कोट वगैरह सब कुछ भाई, जहाँ तक निगाह दौड़ाओगे ना वहाँ तक सरोजनी सरोजनी है पूरी। वहाँ की मम्मी और दीपक तो लगे पड़े हैं शॉपिंग करने में, बहुत ही सस्ता मार्केट, बहुत ही सस्ता, सस्ते की वजह से नहीं, बाकी हमने सरोजनी घूमना भी था तो हम लोग आ गए हैं फाइनली। न्यू कपल हो तो आ जाओ इधर आके शॉपिंग कर लेना, मजा आ जाएगा बिल्कुल। जिद बहस करनी पड़ती है डिस्काउंट के लिए यहाँ पे, तो डिस्काउंट करोगे तो बता देंगे आप लोगों को, कम में दे देंगे ये लोग। गाइस घूमते हुए पूरा हमें हो गया 1 घंटा यहाँ पे, और धूप बहुत तेज हो रही है, इतने सारे कपड़े पहन रखे हमने। बाकी कुछ ये शॉपिंग बैग वगैरह हमने ले लिया और शॉपिंग करे जा रहे हैं यहाँ पे। और भूमि तो आई नहीं, भूमि आती तो बिल्कुल देख के पागल हो जाती कसम से। लोग भी आ जाओ सरोजनी, मैं तो जैकेट वगैरह लूंगा कुछ 1-2 ठंड में पहनने के लिए, सही सही की बात, सफिशिएंट, ज्यादा ठंड के कपड़े लेने वाला नहीं। एंड गाइस और टाइम से घूम रहे हैं कंटिन्यूसली, और मैंने ये कुछ जैकेट लिए, ये वाली, बहुत सारी शॉपिंग करी है, लाइक ये हम लोग छोले भटूरे अभी खा रहे हैं, अभी देखते हैं थोड़ी बहुत और शॉपिंग करेंगे। क्या है हमारे इधर टेस्टी है, बढ़िया, यहाँ पे आना तो खा लेना आप लोग, मजाक नहीं बना रहे। अच्छा वेबसाइट भैया, भैया तो फैन हो गए, भैया तो फैन हो गए इनके, तो दीपक के जहाँ भी जाते हैं दीपक के हर जगह फैन हो जाते हैं। हट गाइस इधर के छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं, और आप लोग आना कभी दिल्ली सरोजनी नगर तो इधर है महिंद्रा स्वीट्स, आ जाना भाई, बहुत टेस्टी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बता दूँ आपको, खा के मस्त हो रहे हैं। इधर भैया से मिल लेना आगे, आप ही मिलते हो ना यहाँ पे, भैया भाई ने खा लिए और बहुत टेस्टी हो रहे हैं सच में, बहुत टेस्टी। गाइस अभी हमें मिल चुके हैं ओवर, अभी मैंने दोबारा ओवर करी है और मैंने बाल खोल ली, इधर बहुत गर्मी लग रही है, जैकेट तो ये पहन रखी है बट फिर भी। तो अभी मम्मी और ये लोग हैं, अभी हम लोग लाल किला जा रहे हैं,
बहुत सही रही मार्केट, मतलब हमने मजे करे बहुत ज्यादा। मतलब सरोजनी मार्केट बहुत बड़ी है यार, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मैं आपको, तो सिर्फ इतनी से यही बता रहा हूँ। पर ये था कि मस्त बहुत मजा आ गया, पूरे बैग भर के कपड़े ले लिए, मतलब इतने कपड़े नहीं लिए बट जैकेट वगैरह लिए, तो वो सारी चीजें। बाकी अभी आपसे मिलते सीधे बाकी। प्लान में थोड़ा सा चेंज आया है, हम लोग ना लाल किला नहीं गए, हम लोग जा रहे हैं अब सीधे अक्षरधाम। अक्षरधाम का बाहर से मैं आप लोगों को शूट करके दिखा दूंगा, क्योंकि वहाँ अंदर फोन और बहुत सारी एसेसरीज अलाउ नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ पे शूज अलाउ नहीं है, और आपका बेल्ट, जो लोग बेल्ट लगाते हैं ना, वो भी अलाउ नहीं है, लाइक वॉच भी अलाउ नहीं है, इस टाइप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई थिंक सो वहाँ पे अलाउ नहीं है। अक्षरधाम में गुजरात गया था तो अरे वाह यार, गणेश जी की अच्छी लग रही है यार, वो भी व्हाइट कलर की। गुजरात में तो ये सारी चीज अलाउ नहीं थी, और वहाँ पे हम लोग फाउंटेन शो नहीं देख पाए थे, तो अभी प्लान ये हुआ है कि हम लोग फाउंटेन शो भी वहाँ पे देखेंगे, और अगर हो सकेगा तो नेट से मैं आप लोगों को उसकी वीडियो निकाल के दिखा दूंगा, क्योंकि मैं तो शूट कर नहीं सकता। और इधर उबर वाले भैया से हमारी दोस्ती हो गई, भैया हाय कर दो आप। भैया से हमारी दोस्ती हो गई, तो भैया हमें वैसे ही लाल किले तक लेके आ रहे थे, पर हमने भैया को फिर बातचीत कर ली, भैया मान गए हमारी बात पे, तो भैया हमें अक्षरधाम डायरेक्टली छोड़ रहे हैं। अक्षरधाम मिलते हैं, बाहर से मैं आप लोगों को शूट करके ऑब्वियसली बात दिखा दूंगा, और दिखानी जरूरी है। सरोजनी का मैं आप लोगों को सीन बताऊं कि बहुत खतरनाक सीन था, बस लेते रहो बैग भरते रहो, ये वाला सीन था, शूट करने का हो ही नहीं, क्या शूट करता है यार, बार्गेनिंग कर रहे हैं हम लोग, ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये अक्षरधाम और दिखाता हूँ मैं आपको बाहर से, दिल्ली का तो बहुत बड़ा है, सुनने में आया बहुत बड़ा है, लाइक वहां से जहां मैं गया था, कहां गया था मम्मी भूल गया, फिर गुजरात, हाँ गुजरात से तो बहुत बड़ा है अक्षरधाम यहाँ का। अभी चलते हैं वहाँ वाला अक्षरधाम को एंजॉय करते हैं। और गाइस पता है दीपक ने ना वहाँ से 100-100 रुपए में जैकेट वगैरह ली है, तो अभी दीपक से बताया है, दीपक 100-100 रुपए में भाई ली नहीं है दीपक ने भाई, 100 रुपए की और 150-200 बस इतने की ली है। और विवेक, और विवेक भाई ने, विवेक भाई तुमने क्या लिया है? 4 स्वेटर। अच्छा विवेक भाई ने 4 स्वेटर लिए बता रहे हैं ये गाइस, ये इन्होंने 100-100 रुपए वहाँ से सल्ट ली और थप्पड़ मार रहे हैं, और थप्पड़ मार रहे हैं, और ये देखो और जैकेट ले रखी है, जैकेट भी तो ले रखी है, बहुत महंगी है ये ब्रांड से ली मैंने, 200 रुपए की जैकेट, ये ब्रांड से ली है मैंने, 200 रुपए वाली ली है, पता है ये कुछ दो 250 की दो लिए गाइस इन्होंने, ये देखो गाइस, हाँ ये बात तो है, हमने कुछ चीज लिया है वो 250 की दो, मतलब वो 250 की एक दे रहा था, फिर हमने 250 की दो ले लिया, अब क्या करें भाई, दिल्ली आए इतना नहीं लेंगे तो बेकार है फिर। अरे भी एक भाई तुमने क्या लिया है? 100 रुपए का तो मैंने बहुत खास चीज ली है, 100 रुपए की। और एक बात और बताऊं, भी एक भाई ने नेल पेंट चुराई है वहां से, इतना पता है, इधर देखो नेल पेंट चुराई है, मम्मी चुराई है, सच में चुराई, अरे चुराई है, गाइस को बताने दो, गाइस को तो पता चले क्या चोर है हमारे साथ, ये देखो चोर, पीले वाले चोर। गाइस सामने ही मेरे अक्षरधाम मंदिर, अभी आप लोगों को दिखा दो कितना सही सीन आ रहा है, सनराइज भी हो रहा है इस समय, और गाड़ियां इतनी सारी लगी, देखो मैं आप लोगों को इसलिए अभी शूट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक सो कि अंदर शूट नहीं हो सकता है, तो इस वजह से, तो बाकी अभी चलते हैं अंदर, और बहुत सारी गाड़ी लगी है, बहुत सारी भीड़ है यार। अच्छा ऐसा होता है ना, लोग लाइक टूर के लिए भी आते हैं यहाँ पे, लाइक स्कूल ट्रिप्स हो गया या ऐसी चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें। अभी मैं हूँ अक्षरधाम टेम्पल के बाहर ही, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा सिनेमैटिक, जहाँ तक होगा वहाँ तक का पॉसिबल हो जाएगा, वो मैं आप लोगों का भी शूट करके दिखाता हूँ सब, बहुत ही सुंदर बना है यहाँ दिल्ली का, तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, पीछे देखो मेरे हो रहा है सनसेट, हो रहा है सनसेट, हो रहा है बाहर, मेन गेट आप लोगों को दिखा देता हूँ, और अगर चेकिंग वगैरह होगी तो मैं फोन कर रख दूंगा, फिर आपसे मिलेंगे डायरेक्ट रात में। एंड गाइस इतनी सारी शॉपिंग करी है कि बैग ले लेके हमें घूमना पड़ रहा है अक्षरधाम में, और यहाँ की पार्किंग दिखाऊं फुल है बिल्कुल। गाइस कुछ इस तरीके की भीड़ है यहाँ पे, अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं और देखते हैं क्या क्या चीज जमा होती है और क्या क्या चीज जमा नहीं होती है। एंड गुड इवनिंग गाइस, अभी हम लोग निकले हैं शो देख करके, अभी सारा सामान वगैरह लेकर के जा रहे हैं, और एग्जिट हो चुकी है, बहुत अच्छा फोटो शो था, मैं आपको नाइट व्यू दिखाता हूँ एक बार अक्षरधाम मंदिर का, ये कुछ इस टाइप से कुछ दिख रहा है अक्षरधाम मंदिर, अभी इधर कुछ पार्किंग वगैरह दिख रही है आप लोगों को, मैंने सोचा कि अक्षरधाम आप लोगों को दिखा दूँ, पूरा तो नहीं शूट कर सकते हैं इसे, बट जितना भी हो पाया मैंने आप लोगों को दिखाया, और अभी चलते हैं हम लोग डिनर वगैरह करते हैं, फिर निकलेंगे हम लोग मुरादाबाद के लिए, तो डिनर करते हैं, और बाकी दिल्ली में आज की नाइट बहुत अच्छी जा रही है।